हेलो, वेलकम टू जी एस एम बुराक। आज आपके सामने सी एम टू का दूसरा लेसन लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसमें आप जान सकेंगे कि सी एम टू को किस तरह सेटअप को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। नाउ इंस्टॉल सी एम टू सेपरेट सेटअप आफ्टर डाउनलोडिंग फ्रॉम गिविंग लिंक इन डिस्क्रिप्शन। जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया, वहाँ से एस पी डी सी एम टू का सेटअप डाउनलोड कीजिए और जिस तरह इंस्टॉल होता आप देख रहे हैं इस तरह इंस्टॉल कीजिए अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप पीसी वगैरह में, और उसके बाद इसको बंद कीजिए, इसको भी क्लोज कर दीजिए बिकॉज इंस्टॉल हो चुका है। क्रॉस कीजिए और फाइनली इसको भी, और इसके बाद इन्फिनिटी बॉक्स सी एम टू एस पी डी, इसमें आप स्प्रेड फोन्स फ्लैश करना सीखेंगे, उनकी अनलॉकिंग सीखेंगे, उनकी फाइल को किस तरह रीड करना है, किस तरह राइट करना है, सिक्योरिटी लॉक किस तरह खोलना है, सब कुछ जान सकेंगे। तो लीजिए, ये सीपीयू है, यहाँ पे मुख्तलिफ चिप वर्जन है, जैसा कि आपके सामने आपको दिखाई दे रहे। कुछ यहाँ पे सैमसंग को भी सपोर्ट करने वाले आईसी अवेलेबल हैं। इस तरह जैसे 7731 जो 5.1 को आ रहा है, या इससे अबव जैसे नीचे 7731 जो 6.0 या इससे भी अबव को आ रहे हैं। किसी भी चिप आईसी वर्जन को आप सिलेक्ट करने के बाद आप आगे वाली टैब में चले जाइए, सर्विस में जैसे गए। अब यहाँ पे आप चेक इन्फॉर्मेशन में जाके आप इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। हेयर यू में फॉर्मेट रीसेट और रीड इन्फॉर्मेशन कुछ भी आप कर सकते हैं। इसी तरह आप सिक्योरिटी में चले जाइए, यहाँ पे आप इसका आईएमई नंबर वगैरह चेंज कर सकते हैं। आईएमई नंबर लिखें और सिंपली राइट सिक्योरिटी पे क्लिक करें, आपकी आईएमई नंबर चेंज हो जाएगा। और रीड एनवी सिग्नल फाइल को आप कॉपी कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं। इसी तरह आप फ्लैश की टैब में चले जाइए, यहाँ पर आप अगर आपके पास बिन फाइल है तो अपने कंप्यूटर में सिंपली चले जाइए और बिन फाइल देने के बाद उसको ओपन कीजिए और सिंपली फ्लैश दबा दीजिए। और यहाँ पे नीचे जो पैक फाइल है, क्योंकि जो वर्जन पीछे आपने चिप आईसी का सिलेक्ट किया है यहाँ पे क्योंकि सपोर्ट नहीं है, तो ये लीजिए, मैं लेटेस्ट में चला जाता हूँ। और उसी तरह फ्लैश में जाके ये देखिए आपके सामने पैक हाईलाइट हो चुका है, पैक को आप क्लिक कीजिए और अपने सिस्टम में जहाँ पे आपने पैक फाइल रखी हुई है उसको दीजिए, ओपन कीजिए और सिंपली उसको फ्लैश दबा दीजिए। इसी तरह इसके बाद अगर आप ये फ्लैश दबाने के बाद आपका सेट सिंपली ये देखिए नथिंग टू डू सेलेक्ट फ्लैश फाइल कह रहा है कि कुछ भी ऑर्डर नहीं दिया गया। इसी तरह अगर आप कोई भी फाइल एज ए पैक उसको रीड करना चाहते हैं तो आप किसी भी सेट का पैक फाइल फ्लैश रीड कर सकते हैं। फ्लैश इरेज अगर आप कम्प्लीटली तौर पे इसको इरेज करना चाहते हैं जो ऑलरेडी उस आपके सेट के ऊपर राइट हुई हुई है, तो आप उसको इरेज भी कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट ऑप्शन में रीड पैटर्न लॉक एक है और इसी तरह एक रीड फोन बुक है, रीड फोन बुक है आपके सामने। यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह सिंपली सेव हो सकते हैं आपके मोबाइल में। उसी तरह आप सेटिंग में जाइए और ये दूसरे वर्जन भी आप सिंपली देख सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए हाजिर हुआ था कि किसी भी एस पी डी सेट को स्प्रेड फोन को किस तरह फ्लैश करना है, उसको किस तरह रीड फ्लैश करना है, राइट फ्लैश करना है, और उसके बाद उसकी अनलॉकिंग किस तरह करनी है, उसका पैटर्न किस तरह खोलना है, वेरी सिंपल आपके सामने मैंने आपको दिखाया। उम्मीद करूँगा आज मेरी आप इस वीडियो से यकीनन फ़ायदा हासिल करेंगे। अगर ऐसी बात हो तो सब्सक्राइब माई चैनल जी एस एम अल बुराक। अल्लाह निगहबान। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।